नमस्कार, मैं शिव संकल्प जोशी, भारतीय आदर्श विद्या मंदिर व्यासनगर से। आज हम पाठ 12 धरती माता की ओढ़नी भाग 5 के खालिस्तान पढ़ेंगे। तो आपको गृह कार्य के रूप में ये खालिस्तान घर पे याद करने हैं वे लिखने हैं। पेड़ पौधे धरती माता की हरी ओढ़नी है। पेड़ पौधे धरती माता की क्या है? हरी ओढ़नी। मेरे प्यारे भैया बहनों, जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, जितने ज्यादा वृक्ष होंगे, उतनी ज्यादा हरियाली होगी। क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तो बरसात होगी और बरसात के कारण चारों ओर धरती माता के चारों ओर हरियाली हरियाली होगी और ऐसा लगेगा जैसे धरती माता ने हरी ओढ़नी पहन रखी है। बड़े पेड़ को हम वृक्ष और छोटे को पौधे कहते हैं। बड़े पेड़ को हम वृक्ष, हमने पहले भी पढ़ा कि बड़े पेड़ जैसे कौन कौन से बड़े पेड़, जैसे बरगद का पेड़, जैसे आम का पेड़, जैसे पीपल का पेड़, ये बड़े पेड़ हैं, ये वृक्ष हैं। और छोटे पेड़ पौधे जैसे टमाटर का पौधा, मेहंदी का पौधा, तुलसी का पौधा, ये छोटे पेड़ अर्थात पौधे कहलाते हैं। हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। हमें पेड़ पौधों की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नियमित पानी देना चाहिए पेड़ पौधों में और नए नए वृक्ष लगाने चाहिए। हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों को देवता मानते हैं, जैसे हम तुलसी को माता मानते हैं और घर में नियमित रूप से तुलसी की पूजा की जाती है, जैसे पीपल में भगवान विष्णु का वास मानते हैं और पीपल में पानी दे करके पीपल की पूजा की जाती है। ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनको देवता के रूप में मानकर हम पूजा करते हैं। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है मेरे प्यारे भैया बहनों। पेड़ पौधे भी सजीव है, वे भी हमारे तरह श्वास लेते हैं, उनमें भी सुख व दुख का एहसास करने की क्षमता होती है। इसलिए हमें नियमित पेड़ पौधों में पानी देना चाहिए, नए नए वृक्ष लगाना चाहिए। अब गृह कार्य के रूप में आपको ये खालिस्तान लिखने हैं, वे याद करने हैं। नमस्कार।